बेलीपार पुलिस ने शातिर पशु तस्करों के गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने बोलेरो समेत 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से पिकअप बोलेरो से 4 गोवंश को भी बरामद किया गया है। गिरफ्त में आए पशु तस्कर गोवंश को बिहार ले जाने की फिराक में थे। बेलीपार पुलिस ने बघावीर बाबा के पास से पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का खुलासा करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बेलीपार पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान एक बोलेरो को रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान बोलेरो सवार बदमाशों ने पुलिस पर बोलेरो चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बोलेरो समेत 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 3 गोवंश भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्त में आए 3 बदमाशों में से राजेश लोना और सुनील लोना बेलीपार और विनोद यादव गघा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। SP साउथ ने कहा कि बदमाश गोवंश को बिहार ले जाने की फिराक में थे। हालांकि पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए पशु तस्करों को धर दबोचा। गिरफ्तारी करने वाली टीम में बेलीपार थाना प्रभारी अजीत प्रताप सिंह, उप निरीक्षक शेर बहादुर यादव, हेड कांस्टेबल पवन कुमार उपाध्याय, कांस्टेबल गुलाब चंद, अरुण कुमार, संदीप कनौजिया सहित अन्य लोग शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, ये बीती रात में यहाँ पे इनके द्वारा थाना अध्यक्ष बेलीपार द्वारा एक बोलेरो में संदिग्ध बोलेरो को उन्होंने रोकने का प्रयास किया। वो बोलेरो वाले भागे, इन पर चढ़ाने की कोशिश की गई इस टीम पे, तो उसे रोका गया किसी तरह से, तो उसमें 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 गोवंशीय बछड़े थे वो वहाँ पे उसमें थे मौजूद, उनके हाथ पैर बांधे हुए थे, तो इस पे उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है? इनका कोई और आपराधिक इतिहास नहीं है। ये एक्चुअली ये 3 अभियुक्त जो हैं, ये 2 तो बेलीबार थाना क्षेत्र का है, 1 गगहा थाना क्षेत्र का है, और ये और भी पहले करते होंगे, लेकिन पहली बार ये पकड़े गए हैं।